देश की आजादी में गांधी जी का रोल रहा है। हाँ, गांधी जी का रोल रहा है। उनके साथ मुसलमानों का भी रोल था। नहीं तो सुनिए, गांधी जी का रोल क्या रहा है? गांधी एक अंग्रेजों का दलाल था और गांधी न केवल अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व था, गांधी मुसलमानों का सेफ्टी वाल्व था। तरह की बातें कर रहे हैं, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ की बात कर रहे हैं आप, धर्म की बात। तो लड़की को जब बचाना है तो क्या लव जिहादियों से नहीं बचाना है? अब अब्दुल कलाम पे कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, अब्दुल कलाम तो एक बहुत बड़ा जिहादी था। ये आतंकवादियों का, अपराधियों का एक बहुत ही सुनियोजित गिरोह है जिनका काम है केवल लूट मार करना, और इन्होंने दुनिया को ये दिया। उन्हीं में से एक था अब्दुल कलाम। मतलब आप हिंदुस्तान में रहोगे, तिरंगे को भी क्वेश्चन करोगे? मैं तो हिंदुस्तान को क्वेश्चन करता हूं भाई, मैं भारत माता को क्वेश्चन करता हूं। मैं भारत माता में विश्वास नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया और आज हमारे साथ खास मेहमान है यति महाराज जी। यति महाराज जी का परिचय देने के कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जहाँ कॉन्ट्रोवर्सी है वहाँ यति महाराज जी हैं, और यति महाराज जी को कॉन्ट्रोवर्सी जैसे पीछा करते इसी तरह से पत्रकार भी आजकल उनके पीछे पीछे ही हैं। यति महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। आपका धन्यवाद। हर हर महादेव। यति जी, आपने पढ़ाई इंजीनियरिंग में करी, भगवा क्यों? देखिए, ये नियति है, मैं पूर्व जन्म में विश्वास रखता हूँ। मैं भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण जी की श्रीमद् भगवद गीता में विश्वास रखता हूँ। आदमी आज जो भी कुछ है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर है। मुझे लगता है कि मेरी नियति में भगवा पहनना था और मैंने भगवा पहन लिया। यति जी, आप एक चीज़ बताएं, भगवा रूप में तो हमारे योगी जी भी हैं जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम जी, और वो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। देखिए, योगी जी के साथ सबका विकास जोड़ना ठीक नहीं है। योगी जी जो देशभक्त हैं उनके साथ हैं, योगी जी और नेताओं की तरह नहीं है। योगी जी हमारे आदर्श हैं जी, हम योगी जी को बहुत मानते हैं और योगी जी का बहुत सम्मान है हमारे मन में। योगी जी के साथ ये देखिए, राजनीति की कुछ व्यवस्थाएं उनकी हो सकती हैं, लेकिन वो क्या है ये हम जानते हैं। राजनीति की व्यवस्थाएं, लेकिन यार राजनीति की कोई भी व्यवस्था योगी जी को ज़्यादा देर रोक नहीं पाएगी। योगी जी वही करेंगे जिसको करने के लिए योगी जी का जन्म हुआ है। और देखिए, इस समय पूरे हिंदू समाज के 100 करोड़ का हिंदू समाज है, कोई एक दो लोगों का नहीं है, 100 करोड़ के हिंदू समाज को यदि किसी से आशा है, जिसमें एक मैं भी हूँ, मैं भी उन 100 करोड़ लोगों में से हूँ जिन्हें अगर किसी से आशा है, तो एकमात्र आशा अब योगी आदित्यनाथ जी महाराज से है। और एक बात और मान लीजिए आप, अगर योगी जी महाराज से उनकी आशा टूटी तो ये हिंदू समाज के लिए बहुत बुरा होगा, योगी जी के लिए भी बुरा होगा। जो नेता अपने समाज की आशाओं को तोड़ देते हैं उनके लिए कभी शुभ नहीं होता। जैसे गांधी है, गांधी हिंदुओं का नेता था, गांधी ने हिंदुओं का नेता बनने के बाद वो सबका विकास सबका विश्वास जो आपकी थ्योरी है उस पर चला। आज दुनिया में कोई भी गांधी को अच्छा नहीं मानता। 2-4 नेताओं को आप छोड़ दें, अगर आप आम किसी भी हिंदू से पूछें, एक सर्वे करवा के देख लीजिए, तो लोग इतनी घृणा रावण से नहीं करते, लोग इतनी घृणा दुर्योधन से नहीं करते, हिंदू जितनी घृणा गांधी से करते हैं। ऐसे जो भी लोग गांधी के रास्ते पर चले वो हो सकता है बड़े सत्ताधीश बन जाए। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। आप करवा के देख लीजिए, आप सर्वे करवा लो ना। देखो, 4 संसद में बैठे हुए 4 ने लगो आप कि वो गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो तो इसकी शपथ लेंगे कि जी गांधी भगवान से भी बड़ा था, होते बता देंगे। लेकिन आप आम जनता से, जब आम हिंदू से पूछेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि वो गांधी के बारे में क्या सोचते हैं। देश की आज़ादी में गांधी जी का रोल रहा है। हाँ, गांधी जी का रोल रहा है। उनके साथ मुसलमानों का भी रोल था। नहीं तो सुनिए, गांधी जी का रोल क्या रहा है? गांधी एक अंग्रेजों का दलाल था जो स्वतंत्रता संग्राम को कभी भी ठीक से होने नहीं देना चाहता था। देखिए, एक तो हिंदुओं को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हिंदुओं ने लड़के आज़ादी ली है। हिंदुओं की लड़ाई थी, कुछ देर लोग थे जो लड़ रहे थे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये यूरोप का अपना इंटरनल मैटर था, अंग्रेज कमजोर हो गया था यूरोप में, उसे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। वरना भारत की स्वतंत्रता संग्राम में चाहे कोई कितना ही बड़ा योद्धा हो, उसने छोटा मोटा असर डाला है। भगत सिंह ने जरूर असर डाला, भगत सिंह के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जरूर असर डाला, वैचारिक रूप से इस क्रांति पर वीर सावरकर ने असर डाला। गांधी तो केवल एक सेफ्टी वाल्व था अंग्रेजों का, जहाँ भी कहीं बड़ी लड़ाई होने जाती थी गांधी वहाँ पहुँच जाता था। और गांधी न केवल अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व था, गांधी मुसलमानों का सेफ्टी वाल्व था इस देश में। केवल गांधी और नेहरू जैसे गद्दारों के कारण आज 100 करोड़ की कम्युनिटी के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच जगह। तो आपका कहने का मतलब है कि मुसलमानों को कोई अहम रोल नहीं है आज़ादी में? नहीं, आज़ादी में मुसलमानों का कोई अहम रोल था ही नहीं। कहाँ था अहम रोल?
ये जिसे खिलाफत आंदोलन को आप आज़ादी की लड़ाई कह देते हैं, ये तो उनका अपना इंटरनल एक अपनी उनकी एक संप्रदाय की लड़ाई थी, मजहबी लड़ाई थी, इसका आज़ादी से क्या लेना। और अंग्रेज़ों के साथ मुसलमान कंफर्टेबल थे, कहाँ लड़ाई लड़ी है। एक अशफाकुल्ला खान को छोड़ दो आप, बाकी वो झूठा सच्चा इतिहास टीवी पर बैठकर गाते रहते हैं कि हमने ये लड़ाई कहाँ लड़ाई लड़ी। और अंग्रेजों से लड़ने लायक औकात नहीं थी, कभी भी मुसलमान की औकात अंग्रेज से लड़ने लायक नहीं हुई है, अंग्रेज से तो हिंदू ही लड़ लिया। असल में क्या, देखिए मुसलमानों को आप पूरी दुनिया में देख लो, आज भी वो कहीं अंग्रेज से नहीं लड़ पा रहे या यूरोपियन नस्ल से वो लड़ नहीं पा रहे हैं और वो हर जगह बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर लड़ने का कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जिहाद करते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहे। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो चंद मुसलमानों की वजह से आपने अपनी धारणा बना रखी। नहीं नहीं, ये सच है, इतिहास पे एक बहुत गहन शोध की जरूरत है। देखिए मैंने जो आप इस बात को कह रहे हो, तो आपको सरकार क्यों नहीं सपोर्ट करती इस बात की? सरकार की है तो सरकार की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। हिंदुस्तान में आपकी बात को फिर सपोर्ट होना चाहिए था। हाँ सपोर्ट है, बच्चों में मेरी सपोर्ट है। आप कल देखना जब मैं, देखिए आज दिक्कत क्या है भैया जी, मैं अकेला हूँ जो अपनी बात इतनी दृढ़ता से कह रहा हूँ, बाकी कोई भी विचारक आपको इस बात को कहता नहीं मिलेगा। लेकिन एक विचार के लिए 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल व्यक्ति के लिए हो सकता है बहुत बड़ी हो, लेकिन एक विचार के लिए बहुत छोटी वो है। पिछले 1400 साल में अकेला एक सन्यासी उठा जिसने इस्लाम का एनालिसिस किया और दुनिया को यह बताया कि इस्लाम धरती का कैंसर है, जब तक ये कैंसर धरती से समाप्त नहीं होगा तब तक धरती पर शांति नहीं रहेगी। तो 1400 साल का आप क्या समझते हैं कि जो काम 1400 साल में नहीं हुआ केवल 2-4 साल में हो जाएगा? लेकिन अभी मुझे मरने दीजिए, अभी जिहादियों की गोली मुझे लगने दीजिए या जिहादी जैसे भी मुझे मारे, उसके बाद नरसिंह आनंद का विचार आपको दुनिया के हर आदमी के मन में मिलेगा, आदमी के किसी भी आदमी की विचारधारा उसकी मृत्यु। आपका कहने का मतलब सारे मुसलमान जिहादी हैं? सारे मुसलमान जिहादी में ये नहीं कह सकता, लेकिन जो मोहम्मद में विश्वास करते हैं और जो कुरान में विश्वास करते हैं वो जिहादी हैं और वो धरती के लिए खतरनाक है। आपने कुरान भी पढ़ी है? पूरी कुरान थोरो पढ़ी है। मोहम्मद का जीवन मैंने थोरो पढ़ा है, और मैंने मोहम्मद का जीवन ऐसा नहीं कि किसी हिंदू ने लिख दिया वो पढ़ा है, मैंने मोहम्मद का जीवन वो पढ़ा है जो मुसलमानों ने और ईसाइयों ने लिखा है, और उसी के बेस पर मैं बात करता हूँ। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कभी नहीं कहा कि सारे मुसलमानों में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुरान पढ़ी और बताया कि भाई ये गंदगी का ढेर है इसे मत पढ़ो, अली सिन्हा जैसे लोग हैं। मन में ये विचार आए कब से? देखिए एक ये लगभग 97 की बात है, तब से मेरे मन में ये विचार, मैंने कुछ ऐसा देखा था, मैंने लव जिहाद का एक केस देखा था, उसके बाद मुझे इस्लाम की तरफ ध्यान देना पड़ा, इस्लाम के क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम का जिहाद। और देखिए क्योंकि मैं एक इंजीनियर था और एक गणितज्ञ था, तो किसी भी चीज़ को सिद्ध किए बिना मैं समझना नहीं चाहता था, मानना नहीं चाहता था। तो मेरी खोज, इस्लाम को समझने की खोज मुझे मस्जिदों में और मदरसों में ले गई। मैं बहुत सारी मस्जिदों में गया, बहुत सारे मदरसों में गया। उसके बाद आपने अपने बोर्ड पे लिख दिया बाहर की मुसलमान? ये तो बहुत बाद में लिखा, ये तो बहुत बाद में लिखा गया, लेकिन वो दिल का बहुत गए। वहां जाने के बाद आपने अपने यहाँ लिख दिया? पहले 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 दिल पे नहीं, नहीं मैं तो देखिए कारण ना आने से काम नहीं चलेगा, इस्लाम की सच्चाई मुसलमान को बतानी पड़ेगी। अभी मुसलमान इस्लाम की सच्चाई को नहीं जानता, मौलानाओं ने इस्लाम की सच्चाई मुसलमानों से छिपा रखी है। ये मौलानाओं ने मुझे बताया है, बड़े मौलानाओं ने मुझे बताया है कि अगर आम हिंदू इस्लाम की सच्चाई को जान जाएगा, आम हिंदू का मतलब वो मुसलमान जो कभी हिंदू था, अगर वो इस्लाम की सच्चाई को जान जाएगा तो वो इस्लाम को छोड़ देगा। आज मेरा सौभाग्य है कि दुनिया को मैं इस्लाम की सच्चाई बता रहा हूँ। महाराज जी आप जो बात कर रहे हैं ये उस युग की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग सिर्फ धर्म और इसकी बात करते थे, आज हमारा युग कहाँ पहुँच गया है? नहीं तो ठीक है ना, आज हम तो जा रहे हैं, हम तो हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल धर्म की बात। तो लड़की को जब बचाना है तो क्या लव जिहादियों से नहीं बचाना है? जिन्होंने सुनिए जिन्होंने अपनी किताब में लिख के रख दिया कि तुम्हारी औरत काफिर की औरत उनके लिए केवल एक लौंडी है, क्या इस विचारधारा से बेटी को नहीं बचाना पड़ेगा? सुनिए चंद लोगों के विचार, चंद विचारधारा तो मैं कहता रहा हूं, वही चंद लोग जो 200 करोड़ हैं लेकिन वो कुरान और मोहम्मद में विश्वास करते हैं, जो लोग कुरान में और मोहम्मद में विश्वास करते हैं उनकी विचारधारा से दुनिया को बचाना है। अगर कोई कहता है कि मैं कुरान और मोहम्मद में विश्वास नहीं करता और मैं मुसलमान हूं, वेलकम, बढ़िया, अच्छी बात है, वो तो खुद पीड़ित है। देखिए पाकिस्तान में कितने अथिस्ट हैं जिनको मारा जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनको खत्म किया जा रहा है, तो ये सारी दुनिया में चल रहा है। तो आपके मुस्लिम दोस्त भी होंगे कुछ? पहले अब नहीं है, अब कोई नहीं है, अब कोई जरूरत नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, मेरा दोस्त मुसलमान है, मुझे उस पर गर्व नहीं होना चाहिए? ये अज्ञानता से उपजा हुआ गर्व है, क्योंकि आप जानते नहीं कि वो आपकी बहन के बारे में क्या विचार रखता है।
वो आपकी बेटी के बारे में क्या विचार रखता है, वो आपके घर की औरतों के बारे में क्या विचार रखता है। देखिए, इस्लाम शुरू हुआ मोहम्मद से, इस्लाम शुरू हुआ मोहम्मद, सुन्नत समझते हैं, सुन्नत जी, सुन्नत फर्ज है मुसलमान का जी। और सुन्नत क्या है, मोहम्मद ने जो किया या उसके सहाबियों ने जो किया, सहाबी मतलब जो उसके साथी थे, ठीक है ना, जिसने मोहम्मद के जीवन में उसका साथ दिया, उन्होंने जो किया वही करना सुन्नत है, वही करना फर्ज है इस्लाम में। तो मोहम्मद ने क्या किया, मोहम्मद ने जो अपने जीवन की शुरुआत की, एक आदमी की है नौकरी की, बहुत बड़े व्यापारी की है नौकरी की, उस व्यापारी की पत्नी से मोहम्मद की हो गया, हो जाता है, बाद में मोहम्मद ने उस व्यापारी का कत्ल कर दिया और उसकी विधवा से शादी कर ली। जो मोहम्मद ऐसे के तो आप हिंदुओं में भी देख लो, नहीं बात, लेकिन हिंदुओं का यह धर्म नहीं है, हमारे यहाँ रावण को फॉलो करना धर्म नहीं है। हम सुनिए सुनिए, वो उसको फॉलो करते हैं, 200 करोड़ मुसलमान मोहम्मद को फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ कोई रावण को फॉलो नहीं करता, हम फॉलो करते हैं राम को, राम के चरित्रों को बताइए ना, हम फॉलो करते हैं योगेश्वर को, हम फॉलो करते हैं भगवान परशुराम जी को, हम कभी भी दुर्योधन को फॉलो नहीं करते, हम बलात्कार करने वालों को फॉलो नहीं करते, हम गद्दारी करने वालों को फॉलो नहीं करते, हम धोखा देने वालों को फॉलो नहीं, हम चोरों को फॉलो नहीं करते, हम लुटेरों को फॉलो नहीं करते, हम बलात्कारियों को फॉलो नहीं करते, हम औरतों के दलालों को फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं भगवान को, हम फॉलो करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम को। अब बताइए आप महाराज जी, आपने तो सारी बातें बेबाकी से बोल रहे हो, आपके तो सुरक्षा है, सब कुछ है, कभी आपके कारण, आपको नहीं लगता कि आपके कारण दो जातियां ऐसी लड़ जाएंगी और उसके कारण जितने लोगों का घर बर्बाद होगा उसका क्या होगा? अगर स्थिति आज की चलती रही जो स्थिति आज है ना, तो ये देखिए केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, केवल 2029 में वो होना ही है, अब उसे रोका नहीं जा सकता। आपने तो अब्दुल कलाम पे भी अभी आप पहले एक एनालिसिस सुनिए, फिर मैं अब्दुल कलाम के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, भारत का प्रधानमंत्री एक बार मुसलमान हुआ तो अगले 20 सालों में, मतलब 2029 प्लस 20 सालों में 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 50% हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर, सनातन छोड़कर इस गंदगी में शामिल होना पड़ेगा, जो आगे लोगों के कत्लोआम का कारण बनेंगे, पूरी दुनिया के कत्लोगारत का कारण बनेंगे। 10% हिंदू केवल बचेंगे, वो अमेरिका में बचेंगे, यूरोप में बचेंगे, कनाडा में बचेंगे, रिफ्यूजी कैंपों में बचेंगे, इस मंदिर में कोई हिंदू नहीं रह पाएगा, फिर यहाँ सबका कत्ल हो चुका होगा। महाराज जी देखो, आप इंजीनियर हो, पहली चीज पढ़े लिखे, उससे भी पढ़ा, मैं गणितज्ञ हूँ, गणितज्ञ हूँ, है ना, आप मतलब आपसे मैं, आपको लग रहा होगा कि बड़े अजीब से सवाल पूछ रहा है लड़का, है ना, और धर्म को मानता है हिंदू है, नहीं, आपसे हिंदू नहीं, आप केवल हिंदू नहीं हो, मेरे लिए आप केवल मेरे लिए हिंदू नहीं हो, मेरे लिए आप मेरे बेटे हो जी, मेरे लिए आप मेरे बेटे जैसे हो, अगर मेरी सही उम्र में शादी हो जाती आपके जैसे मेरे बेटे होते तो आप मेरे लिए मेरे बच्चे हो, और बहुत ज्यादा भी अगर आपको बेटा सुनकर बुरा लगे तो मेरे छोटे भाई हो, मेरे छोटे भाई 20 साल छोटे हैं मुझसे। महाराज जी, मैं सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ जी, ठीक है, मुझे वहां पर कहीं नहीं पढ़ाया गया कि आप मुसलमान को इस स्कूल में नहीं लाओगे। तो ये उनकी गलती है ना, ये उनकी गलती है, उन्होंने सिलेबस ठीक नहीं रखा, जैसे मेरी गलती थोड़ी है, अब वो इस्लाम को जानते ही नहीं भाई, मतलब इतने सारे सिस्टम सब गलत है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सब गलत है, वो अज्ञानी है, वो सारी चीजों को जानना नहीं चाहते, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, वो जितना जानते उतना कर रहे हैं। देखिए, उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए, जिन सरस्वती शिशु मंदिरों से आप जोड़ रहे हो उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं वीर सावरकर। अगर उन मूर्खों ने वीर सावरकर को पढ़ लिया होता, उन लोगों ने वीर सावरकर को समझ लिया होता, तो आज मैं और आप ऐसे नहीं बैठे होते, फिर ये समस्याएं भारत में नहीं होती। लेकिन लोगों ने वीर सावरकर जैसे लोगों को इग्नोर किया। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, मुझसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोल चुके हैं इसी बातों को, उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी पहले अपने हाथ को जो है वो तेल की कढ़ाई में डाल दे, ठंडे तेल की कढ़ाई में, फिर उस हाथ को तिल की बोरी में डाल दे, इतनी भी कसम अगर मुसलमान खाए, जितने तिल उसके हाथ में चिपक जाए उतनी भी कसम यदि मुसलमान खाए, तो किसी हिंदू को मुसलमान का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहकर गए हैं, और भी बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने ये, अच्छा आज देखिए सुनिए, ये आपको अजीब लग रहा है क्योंकि मैं भारत में बैठ के कह रहा हूँ, भारत में लोगों ने राजनीति की चमचागिरी में अपनी बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट कर लिया है, यहाँ का गोबर भर लिया, गोबर गोबर। आप रॉबर्ट स्पेंसर को सुनिए, आप आज लंदन में बैठे हुए विचारकों को सुनिए, उनके विचार मुझसे भी ज्यादा, हालांकि ये दूसरी बात है कि उनके विचार मेरे विचारों से प्रेरित होकर ऐसे हुए हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे आंकड़ों पर विश्वास किया और पूरी दुनिया को बताने लग रहे हैं कि इस्लाम क्या है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि हिंदू उनमें कम है, लेकिन दूसरी कौमों के जैसे ईसाइयों में, यहूदियों में, बौद्धों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे विचारों को फॉलो करके धर्म का प्रचार करना बुरी बात नहीं है।
और अधर्म का, अधर्म के बारे में बताना, धर्म के बारे में बताना, धर्म क्या है, पहले 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 एक मिनट, आप ये लोगों को कटघरे में खड़े कर, नहीं नहीं मैं सबको नहीं कर रहा, मैं केवल, देखिए मैं सबको कभी कटघरे में नहीं कर खड़ा करता, मैं केवल उनको कटघरे में कर रहा हूँ जो मोहम्मद और कुरान में विश्वास करते हैं, सबको नहीं कटघरे में कर रहा हूँ, हो सकता है उनमें बहुत अच्छे लोग। अब्दुल कलाम पे कुछ बोलना चाह रहे थे, देखिए अब्दुल कलाम तो एक बहुत बड़ा जिहादी था और पाकिस्तान के जिहादी थे, तो उन्होंने भारत को क्यों अग्नि मिसाइल, कुछ नहीं दिया उसने, बगल में दे देते, वो नहीं नहीं उसने कुछ नहीं दिया, ये तो वो मुसलमान था, इसलिए मूर्ख हिंदुओं ने उसे हीरो बनाया, क्योंकि नेताओं को ये अच्छा लगता है कि वो किसी मुसलमान को, जैसे अल्लामा इकबाल को, अल्लामा इकबाल जिसने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप जब अल्लामा इकबाल को थोरो पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा उस आदमी की सोच क्या थी, उसी आदमी ने लिखा था काफिर की मौत से लरजता हो जिसका दिल, काफिर की मौत से लरजता हो जिसका दिल, कौन कहे उसको कि मुसलमान की मौत मर, मतलब काफिर तो ऐसे कत्ल करने की चीजें काट के फेंक दो, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है जिंदगी बाज की जाही दाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, ये इस अल्लामा इकबाल ने लिखा था, अल्लामा इकबाल का सिकवा पढ़िए, अल्लामा इकबाल अल्लाह से सिकवा करता, अल्लाह से पता नहीं कौन है ये अल्लाह, उससे सिकवा करता जी। एक तरफ आप लोगों की छत्र छाया में जब पूरा देश भगवा और मौलवी और इन सब के उसमें बोलते हैं ऊपर वाला एक है, कौन बोलता है अल्लाह को बोल रहे हो, नहीं नहीं कौन बोलता, कौन, ये केवल हम बोलते हैं, हम बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गीता बोलती है, लेकिन आप उनकी कुरान पढ़ लो, उनकी कुरान में एक अल्लाह है, वैसे जो अल्लाह जो शब्द लिया गया ये चोरी का है, ये हमारे भगवान शिव का नाम है, लेकिन हमारे भगवान शिव वो नहीं है जिन्हें मुसलमान पूजा करते हैं, जो मुसलमानों का अल्लाह है वो एक शैतान है, जो ये कहता है कि भाई जो मुझे मान रहा है केवल उसको छोड़ना है, बाकी सबको कत्ल करना है, और कत्ल भी ऐसे नहीं करना है, कत्ल भी ऐसे करना है कि इनकी सारी औरतों को अपनी लौंडी, इनकी संपत्ति को छीनना है और इनका कत्ल करना है, ये उनकी बाकायदा कुरान में लिखा हुआ है, जो आदमी कुरान पढ़ लेता है उसे ये आदमी वो समझ जाता है कि नरसिंहाना सच बोल रहा है, जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा, लेकिन खाली कुरान काफ़ी नहीं है, कुरान के बाद आपको हदीस पढ़नी पड़ेंगी और मोहम्मद का जीवन पढ़ना पड़ेगा, फिर आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो देखिए मुझे, मैं सबके खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं फिर कहना चाहता हूँ, लेकिन जो मोहम्मद को मानते हैं और जो कुरान पर विश्वास करते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ, और उनका जो अल्लाह है वो कोई शैतान है, वो कोई बहुत बड़ी शैतानी शक्ति है, वो सबका नहीं हो सकता, वो केवल उन्हीं का है, उन्हीं की रक्षा करता है, उन्हीं को बढ़ावा देता है, उन्हीं को शक्ति देता है, दूसरों के साथ तो वो बहुत ही बुरा है, तो मैं उनके अल्लाह को कैसे मान सकता हूँ, जबकि मेरे योगेश्वर, मेरे श्री राम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे महादेव सारी दुनिया के लिए बराबर हैं। आप किसी, आप भगवान शिव को माने तो अभी सनातनी है, भगवान शिव को ना माने तो अभी सनातनी है, भगवान शिव को गाली देने लगे तो अभी सनातनी है। तो इस सिद्धांत को उन लुटेरों के गिरोह के सिद्धांत से तुलना कर, देखिए मैं इस्लाम को क्या कहता हूँ, मैं जो इस्लाम की सच्चाई समझाऊँ, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, ये आतंकवादियों का, अपराधियों का एक बहुत ही सुनियोजित गिरोह है, जिनका काम है केवल लूटमार करना, और इन्होंने दुनिया को ये दिया है। उन्हीं में से एक था अब्दुल कलाम, जिसे हमारे नेताओं ने, जिसे हमारे तथाकथित नेताओं ने इतना बड़ा बना के रखा। आप जरा अफजल गुरु से उसके संबंध को जरा गूगल पे सर्च करिए ना, आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, और आप DRDO के बड़े वैज्ञानिकों से बात करिए ना, तब पता चलेगा कि वो था क्या। आप जिस तरह से उनके लिए कह रहे हैं अब्दुल कलाम के लिए, अफजल गुरु से उनके संपर्क करिए, कल आप भी इतिहास बन जाओगे, आपके संपर्क अगर इस तरह से कि हिंदुओं के ये जिहादी थे तो आपको कैसा लगा? मैं हिंदुओं का जिहादी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाला युग मुझे हिंदुओं के धर्म योद्धाओं के रूप में याद करें। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे याद करें कि एक व्यक्ति था जो धर्म के लिए मिट गया। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं अमर हो जाऊँ, लेकिन इतनी महत्वाकांक्षा है कि कल को मेरे बच्चे एनालिसिस करें कि नरसिंहानंद सरस्वती एक छोटा सा आदमी था जिसने अपना पूरा जीवन एक विचार को पब्लिक तक पहुँचाने में दिया, बहुत जिद से लड़ा और मिट गया। मतलब मेरी कोई ये महत्वाकांक्षा नहीं है कि लोग मुझे कल एक बड़े आदमी के रूप में जानेंगे, केवल एक ऐसे आदमी के रूप में जानना मैं चाहता हूँ, मेरे बच्चे मुझे जाने कि एक व्यक्ति धर्म के लिए लड़ा और मिट गया, बस इतनी महत्वाकांक्षा, इतनी सी इच्छा, इसके सिवा कोई इच्छा नहीं। आपने तिरंगे पे भी क्वेश्चन उठाया था। तिरंगा हमारा नहीं है भाई, ये कहा गया था जब देश आज़ाद हुआ कि भाई तिरंगा इसलिए दिया गया है कि इसमें केसरिया रंग हिंदुओं का, हरा मुसलमानों का, सफ़ेद ईसाइयों का, अरे ये हमारी धरती है भाई, इसमें ये मुसलमान कहाँ से, जब देश का बंटवारा हो गया था तो मुसलमान पाकिस्तान जाने, आप हिंदुस्तान में रहोगे तिरंगे को भी क्वेश्चन करोगे? मैं तो हिंदुस्तान को ही क्वेश्चन करता हूँ भाई, मैं भारत माता को क्वेश्चन करता हूँ, मैं भारत माता में विश्वास नहीं करता, मेरा तो सिद्धांत है माता चे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा,
बांधवा से वक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रियम देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं, जगत जननी माँ जगदम्बा हम सबकी माता हैं, दुनिया के तीनों लोक ये हमारा घर हैं और दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं हम सब आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं, बंधु बांधव हैं। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखिए मैं नहीं मानता और मैं इसके लिए सजा भुगतने को तैयार हूँ, अगर संविधान कोई सजा देता दो मुझे, लेकिन मैं अपने विचारों पर अडिग हूँ और मैं ये जानता हूँ कि एक विचारक को अपने विचारों पर चलते हुए उन विचारों की कीमत चुकानी चाहिए। अब जो भी कीमत होगी मैं दूंगा। महाराज जी आप जिस तरह से विभागी से बोलते हैं मुझे कहीं ना कहीं लगता है कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है आपका। हाँ हिडन एजेंडा है, मेरा हिडन एजेंडा नहीं है। देखिए हिडन एजेंडा कहना गलत बात है, मेरा एजेंडा है, हिडन नहीं है। पूरी धरती से इस्लाम को समाप्त करना और जो लोग हमारे भाई चले गए दूसरे धर्मों में वापस लाना, मेरा ये एजेंडा क्लियर है भाई, इसके सिवा कुछ है नहीं। मैंने जितना आपको बेबाकी से मोहम्मद के बारे में बताया है आपको पता है इसकी सजा क्या है? आपने कभी तो कुछ सुना होगा इसकी सजा, और उस सजा के लिए ये लोग काफी नहीं है तो डर लगता है? नहीं कभी नहीं, सनातनी हूं भाई, योगेश्वर का शिष्य हूं। योगेश्वर, मैं योगेश्वर को भगवान नहीं मानता लेकिन धरती पर जो पैदा हुए उनमें सबसे बड़े थे योगेश्वर, मैं उनका अनुयायी हूं। मैं योगेश्वर की पूजा नहीं करता लेकिन मैं अनुयायी योगेश्वर का हूं। पूजा करने में और अनुसरण करने में अंतर है, अनुसरण उनका किया जाता है जो धरती पर रह के गए हैं। अब पूजा की बताइए सुरक्षा क्यों है आपकी? ये बच्चों का खेल है भाई, ये मन की मैं सुरक्षित हूँ योगेश्वर के कारण, योगेश्वर की गीता पर। कारण कितने लोग असुरक्षित हो रहे हैं? नहीं कोई असुरक्षित नहीं, मेरी वजह से कोई असुरक्षित, मेरी वजह से जो आप बात बोल रहे हैं मेरी वजह से लाखों, मेरी लाखों बेटियों की इज्जत लुटने से बच जाएगी, मेरा बलिदान हिंदू को जगा देगा। आज नरसिंहानंद एक आदमी है, जिस दिन नरसिंहानंद की हत्या हो जाएगी नरसिंहानंद एक विचार हो जाएगा। आज अपने जीते जी जिस नरसिंहानंद ने लाखों लोग खड़े कर दिए लड़ने के लिए, जिस दिन मेरा बलिदान होगा उसके बाद करोड़ों मेरे बच्चे लड़ने के लिए खड़े होंगे। मैं शब्द कहां से आ गया सर? मैं शब्द कहां से? आपने गीता पढ़ी? गीता मैंने, गीता मैंने आपके बराबर तो नहीं पढ़ी पर मैं इतना जानता हूं कि मैं शब्द का प्रयोग नहीं था। नहीं नहीं ये किसी ने आपको बहका दिया, सनातन व्यक्तिवाचक है, यहाँ व्यक्ति को भेजा जाता है संदेश देने के लिए सिखाने के लिए, उसी में से कड़ी में तो हम की बात करते हैं, तुम हम... की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। हाँ तो सबकी बात कर रहा हूँ, नहीं सबकी बात कर रहा हूँ ना मैं तो सबकी, देखिए मेरे मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो एक व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ लेकिन जो ये है ये समूह के लिए है। मैं आज इस समूह के लिए दीपक का काम करने वाला हूँ। आप ये शिक्षित करके भी कर सकते थे ना, एजुकेशन देके भी कर सकते थे। हाँ तो मैं दे रहा हूँ ना, ये तो एजुकेशन है। उस दर लिखा है कि हिंदू के पांच परिवार में पांच बच्चे हों तो भी आप सुरक्षित हैं। ये देखिए लिखो भैया दिखाओ, इसे लिखा मैंने देख लिया आपका। हाँ। आपके पांच बच्चे हों तो भी आप उनको एजुकेशन ही नहीं दे पाओगे तो उनको क्या बनाओगे आप आगे चले? क्यों नहीं दे पाएंगे एजुकेशन? क्यों नहीं दे पाएंगे हम एजुकेशन? दो बच्चे पालना मुश्किल है, पांच की बात क्या बात कर रहे हैं? बच्चे पालने का भी मुश्किल नहीं था। हम जब छोटे से थे मैं आपको बताऊँ, हमारे पिताजी सरकारी नौकर थे, यूनियन लीडर थे, हम किराए के एक मकान में रहते थे, दो 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 कमरे थे उस किराए के मकान में, हम ऊपर की छत पर रहते थे, ठीक है। हम पांच बहन भाई थे, मेरे माता पिता थे और मेरे दो चाचा हमारे साथ रहते थे, कभी जगह की कमी नहीं लगी। आज जैसे आपके जैसे बच्चे हैं, मैं उनके घरों में जाकर देखता हूँ, 200 गज की कोठी में रह रहे हैं, 50 लाख के 1 करोड़ के फ्लैट में रह रहे हैं। पता चला घर में हमारी माँ दो साड़ियों में रहती थी, दो साड़ी उसकी रोज के पहनने की, एक दो साड़ी उसके पास होती थी कहीं आने जाने की। आज औरतों का वार्डरोब खोल कर देखिए, एक एक औरत के पास 300-400 कपड़े हैं, एक औरत के पास, हिंदुओं की औरतों के पास, एक एक हिंदू के पास कई कई फ्लैट हैं। जी मैं आपकी बात थोड़ा सा यहाँ काटूंगा, आप पहले तो ये बताइए आप घर में कितने परिवार में कितने लोग हैं? देखिए इसमें थोड़ा सुरक्षात्मक है लेकिन मेरा परिवार है, पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार है। आप कितने भाई बहन हैं? पाँच भाई बहन हैं। पाँच भाई बहन, कितने भाई हैं कितनी बहनें हैं? एक भाई है, तीन बहनें हैं। तीन बहनें, मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनल वो है मेरा, क्योंकि मेरी भी तीन बहनें हैं और मैं भी अकेला भाई हूँ। जितनी अच्छी से मेरी बहनें मेरे अपने माँ बाप की सुरक्षा और ध्यान रखती होंगी ना, उतना ना आप कर पा रहे हो ना मैं कर पा रहा हूँ। मैं तो रख ही नहीं पाया बेटा, नहीं रख पाया तो जीवन कहाँ, तो कहाँ हम कौन से वर्ल्ड में जी रहे हैं? नहीं लेकिन लेकिन सुनिए, इसमें गलती है ना, आप अकेले बेटे और दो तीन बेटे होते ना तो और अच्छा होता। नहीं होता, नहीं अच्छा होता, जायदाद के लिए लड़ते नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं लड़ता। नहीं नहीं सुनिए, नहीं 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 नहीं, देखिए जायदाद के लिए कोई नहीं लड़ता, हिंदुओं के अंदर ये सबसे बड़ी अहंकार की भावना ये आगे कि हम बच्चों के लिए कुछ करने वाले, किस्मत लिखने वाला वो है, उसने नियति लिखी नरसिंहानंद की। कोर्ट भरे पड़े हैं, सिर्फ हिंदुओं के केसेस से भरे पड़े हैं वो, इसलिए क्योंकि वो देखिए उसका कारण है, हिंदू समाज जो है इस समय जो है पतन का के दौर में है, ये हमारा संक्रमण काल है, जब हम धर्म से दूर हो रहे हैं, अधर्म की तरफ जा रहे हैं।
और उसका सबसे बड़ा कारण है परिवार, जो फैमिली बॉन्डिंग है ना, उसका कमज़ोर होना। पैसे की कमी उसका कारण नहीं है। जो मेरी माँ, मैं आज अपनी माँ को याद करता हूँ, मेरी माँ को गए हुए लगभग 15 साल हो गए, मैं आज अपनी माँ को जब याद करता हूँ तो एक ऐसी महिला जिसने पूरा जीवन मेरे पिता के प्रति बड़ा समर्पित होकर बिताया। हम लोगों के पास ज़्यादा पैसे थे ही नहीं, हम 5 बहन भाई थे, पिताजी की छोटी सी नौकरी थी, कुछ था ही नहीं ऐसा, लेकिन मेरी माँ जो मेरे पिता के प्रति समर्पित थी। तो माँ ने कभी बोला कि किसका नाम हिंदुओं के लिए ऐसा रखना? हाँ, मेरी माँ ने बोला। मेरी माँ के पास जब लोग जाते थे और ये कहते थे कि भैया ये तुम्हारा, कि बहन जी तुम्हारा बेटा जो है ये इस तरह मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, किस दिन इसे मुसलमान मार देंगे, तो मेरी माँ ने हमेशा जो कहा वो मेरे लिए जीवन में मतलब मुझे भूल नहीं सकता। मेरी माँ ने कहा हाँ ये तो पागल हो गया है, लेकिन भैया ये है कि मुसलमान बढ़ तो बहुत रहे हैं और ये खतरा है सबके लिए। अच्छा है हमारा बेटा लड़ रहा है, ये मर जाएगा तो इसके बच्चों को तो हम पाल भी लेंगे, अगर कोई और इनसे लड़ता हुआ मरा पता नहीं उसके बच्चे पलेंगे या नहीं पलेंगे। तो ये मेरी माँ ने मुझे बोला था। मेरी माँ जो है एक बहुत ही दिव्य महिला थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल अपनी माँ के कारण। दिव्य माँ शब्द ही अपने आप में दिव्य है। सबकी माँ दिव्य है, सबकी माँ दिव्य है, जैसे माँ के लिए हिंदू की हो, सबकी माँ दिव्य है। देखिए इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सभी के लिए है, जानवरों की भी बात है। देखिए सुनिए, माँ के लिए जैसे अपना बेटा बहुत अच्छा है, ऐसे ही हर बेटे के लिए माँ दिव्य है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं दुनिया की हर माँ का सम्मान करता हूँ और मेरा धर्म मुझे यही सिखाता है। मेरे यहाँ देवी भागवत में मेरी माँ ने मुझे बताया है कि दुनिया में जितनी भी नारियाँ हैं वो सब मेरा ही स्वरूप है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अरब की इस जाहिल जंगली विचारधारा से, लुटेरों की इस विचारधारा से, कातिलों की इस विचारधारा से दुनिया की हर औरत को सुरक्षित किया जाए, दुनिया की हर औरत को सुरक्षित किया जाए। केवल हमारी औरतें नहीं, केवल मेरे परिवार की औरतें नहीं, केवल हिंदुओं की औरतें नहीं, दुनिया में सभी की औरतों को इस विचारधारा से सुरक्षित किया जाए, ये मेरे मन में इच्छा है। ठीक है महाराज जी, आज आपका समय लिया हमने, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बड़े बेबाकी से अपने सारे सवालों का जवाब दिया। फिर भी हम अपनी सलाह आपको देते जाएंगे कि थोड़ा सा आप लोगों को भ्रमित ना करें। नहीं देखिए मैं भ्रमित नहीं कर रहा, देखिए अगर सच्चे अपने एजेंडे के पीछे लोगों को, अगर लोग सच्चे भ्रमित हो रहे हैं तो ऐसे लोगों का तो फिर भ्रमित हो जाना ही ठीक है। सच से कोई भ्रमित नहीं होता, सच जो है सूर्य की तरह है। ये हम दोनों का ये चलता रहेगा विचारों की। कोई नहीं, वो आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए मैं, आप कुछ भी कहें मेरे बारे में जी, मैं आपको हमेशा अपना बच्चा मानूंगा जी जी जी, और मैं, आप हमेशा मेरे लिए बच्चों की तरह रहेंगे। कोई भी हिंदू मेरे लिए, ये तो मैं मान सकता हूँ कि वो दिग्भ्रमित हो गया है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि वो मेरा शत्रु हो सकता है। कोई भी हिंदू, हमारे यहाँ नियम है, जैसे लोग आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ किसी को भी ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, बस ये देख लो कि मुसलमान तो नहीं है। अगर वो मुसलमान नहीं है तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, चाहे वो मेरा कत्ल करने का, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू के हाथों कत्ल हो रहा भी गौरव की बात है, मुसलमान के हाथों कत्ल होना भी मतलब बहुत। हिंदू आपका कत्ल कर दे तो हिंदू सब कुछ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, अपने बच्चे कर देते हैं, हो जाता है, गलती हो जाती है। सुनिए चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी ना किसी बात पे होती रहेगी, आपके पीछे कॉन्ट्रोवर्सी रहती है तो हम भी पीछे रहेंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हर हर महादेव।